शुक्रवार को एक बुजुर्ग अपने घर की महिलाओं को लेकर नूह जिला सचिवालय के चक्कर काटते दिखाई दिया। बुजुर्ग ने बताया कि 28/9/2019 को उनके घर की महिलाओं के साथ दबंग लोगों के अलावा तत्कालीन सरपंच द्वारा छेड़छाड़ करने पर बेरहमी से उनके ही साथ मारपीट की गई, जिसकी सारी सीसीटीवी फुटेज कैमरे में कैद हो गई। पीड़ितों ने बताया कि घटना के बाद रोजकमेव थाना में संगीन धाराओं के तहत मामला दर्ज है, लेकिन पुलिस जाँच अधिकारी ने सीसीटीवी फुटेज को गायब कर छेड़छाड़ 307 सहित अन्य धाराएं तर्क कर दी, जिससे आरोपियों को न्यायालय से राहत मिल गई। लेकिन अब उनके पास जो खोई हुई सीसीटीवी फुटेज थी वो मिल गई हैं, जिसमें साफ तौर पर दबंगों जगदेव सरपंच रविंद्र उर्फ रब्बो वगैरह द्वारा बेरहमी से उनको मारते पीटते दिखाया है। पीड़ित ने शुक्रवार को पुलिस कप्तान से मुलाकात कर केस को पुनः रीओपन करके धारा जोड़कर दोषियों की पुनः गिरफ्तारी कराने की गुहार लगाई है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि उनके घर की महिला जब प्लाट से घर आ रही थी तो उसके साथ अश्लील हरकतें की गई थी। महिला ने हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल की, लेकिन उसके बावजूद पुलिस द्वारा आरोपियों को बचाने के लिए उनके साथ न्याय नहीं किया गया और बगैर उच्च चिकित्सक की जांच के धाराएं तर्क की गई हैं। नूह से MTV हरियाणा के लिए मोहम्मद असलम की रिपोर्ट। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 27 तारीख को जी छेड़छाड़ करी जी मेरे साथ जगदेव रब्बो दोनों ने रविंदर, और 28 तारीख को हमने एप्लीकेशन दी जी थाने में रोज का मेब में, फिर उन्होंने उसके बाद मारपीट करी 6 बजे करीब हमारे साथ जी। फिर जी वो धाराएं लग गई तो जैसे वो कैमरा लगे हुए हैं सीसीटीवी हमारे देवर घर पे, तो जी हमने जैसे मुकदमा दर्ज है तो जब धारा लग गई तो हमने दे दी जी पेन ड्राइव रिकॉर्डिंग वा को क्या यो धर्मेंद्र है जी, उसने वो रिकॉर्डिंग उसमें नहीं लगाई जी, और वो डॉक्टर थे उनते 60-60 करके 307 लगी, 307 तोड़वा दी और सब धारा काट दी जी। पिछली पार्टी वाला जगदेव सरपंच सारी धाराएं कटवा दी जी, नॉर्मल से धारा छोड़ दी है। अब उन्होंने गृह मंत्री को लगाई है जी, हमें तो न्याय चाहिए और हमारे साथ में। किधर आपने अपनी शिकायत दोबारा लगाई थी? गृह मंत्री को लगाई है जी अनिल। क्या वहां से आया है आदेश? क्या है? SP को लगाई है जी, SP के जी इंक्वायरी कही है जी। SP ने क्या आश्वासन दिया है? यो दिया है जी दोबारा इंक्वायरी होगी उसकी, रीओपन की। 2019 9 महीना 27 तारीख को हमारे साथ छेड़छाड़ हुई थी, 28/2019 9 महीना को मारपीट हुई थी हमारे साथ। वो दूसरी पार्टी वाला वो सरपंच है जगदेव शास्त्री, वो दबंग थोड़ा, इसलिए उससे पैसा खा के पुलिस ने हमारा केस कमज़ोर बना दिया, सारी धाराएं तोड़ दी। फिर हमने अब 307 सारी धाराएं तोड़ दी, मतलब 307 धारा लगी हुई थी हमारे, बहुत ज़्यादा चोट आई थी, सास का पैर तोड़ दिया, ससुर के भी बहुत ज़्यादा चोट आई थी, उसकी 307 बनी थी, तो सारी धाराएं तोड़वा दी और लोकल डॉक्टरों से 60-60 करके, तो वो उसकी भी 307 की रीओपिनियन ले कर 307 भी तोड़वा दी। तो अब हमने SP सर से दरख्वास्त लगाई है कि हमारा केस दोबारा शुरू से रीओपन किया जाए, हमें न्याय चाहिए। ये घटना जी 27 तारीख को 9वें महीने में 2019 में हुई थी। मैं घर पे नहीं था, मेरे लड़के की घरवाली थी और उससे उन्होंने आकर के रास्ते में छेड़छाड़ की थी। वो प्लाट से आ रही थी, वो जगदेव सरपंच था उस टाइम पे, और उनके वो परिवार वाले उसके भैया के लड़के थे रब्बो वगैरह, उन्होंने मेरी मेरी जो है बहुरिया थी लड़के की घरवाली थी उसके साथ में वो दूध काट के ला रही थी प्लाट से, तो उन्होंने उसको रास्ते में छेड़छाड़ किया था। छेड़छाड़ कीने के बाद में वो उनसे घर कहने के लिए गए थे, मेरी घरवाली और वो बहुरिया दोनों लड़का मेरा छोटा लड़का उनके घर कहने के लिए गए थे, तो उन्होंने उल्टे सुलटे बात करी और वो फिर अपने घर आ गए। तो हमने जो है दोबारा दूसरे दिन 28 तारीख को रोजकमेव थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। जनाब रिपोर्ट दर्ज कराने पर हमारी जो है धाराएं जो भी लगाई थी हम पे वो इनके साथ छेड़छाड़ की, उसने वो FIR दर्ज करी।
इन्होंने जो है वहाँ से आने के बाद में उनको मालूम पड़ गया कि ये रिपोर्ट करके आए हैं, तो शाम के टाइम करीबन 5:30-6 बजे के लगभग उन्होंने लाठीन से हमला किया। मैं भी उस टाइम घर पे था, मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा चोट लगी है, मेरी घरवाली का उल्टा पैर जो है तोड़ दिया है, वो जो लल्लड़ में उसका ऑपरेशन कराया है, और लल्लड़ से मेरी 307 बनाई थी दिल्ली सफदरजंग से, वहाँ भी मेरा इलाज हुआ था, और वो सारी धाराएं थाने वाले ने पुलिस वाले ने वो सारी धाराएं काट दी। जनाब मेरा तो मालिक के सिवा और कोई सहारा नहीं है। वीडियो का जिक्र किया जा रहा है इसमें, वीडियो? हाँ जी, वो वीडियो भी जो बनवा हमारे वहाँ कैमरा लगा हुआ है उसमें वीडियो सारी इनकी आ रही हैं, वो हमारे पेन ड्राइव भी जो है ना, हमने अब SP को एप्लीकेशन लगाई है, दरखास्त दोबारा से पेन ड्राइव भी पेश किया है। क्या चाहते हैं? और हम यही चाहते हैं हमको न्याय मिले। हमारे जो है ना बुढ़ी है वो भी खाट में टिक गई, उसका पैर टूट गया, मेरी टांट में चोट है, मेरे से डोलना बोलना भी बस की नहीं है, सारा शरीर डामाडोल है, मेरा कोई करने वाले भी नहीं है, छोटे बच्चे सब अनाथ हैं, तो मैं न्याय चाहता हूँ। और वो धर्मेंद्र था कोई थाने में, उसने IO वगैरह, उन्होंने चंद्रभान था कौन थे वो, उन्होंने मिल करके और वो पेन ड्राइव को ख़त्म करा दिया उसने पैसे के उससे। अब SP साहब ने हमको आश्वासन दिया है कि आपकी कार्रवाई की जाएगी, अमल में लाई जाएगी, अगर ऐसा है तो दोबारा से इस केस को वहीं पे, हमारा जो है यही है कि आपको आश्वासन दिया हमको, आज SP साहब से मिले हैं हम, अब उन्होंने आज हमको आश्वासन दिया है कि आपकी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।